नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आप सबों का स्वागत है। आज हम 21 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। वी शैल बी डिस्कसिंग द डेली करंट अफेयर्स ऑफ 21 अगस्त एंड दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग एंड एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो 21 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स आपको इन तमाम एग्जाम्स में काफी फायदेमंद साबित होने वाली है दोस्तों। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला न्यूज है दोस्तों, जो हम राष्ट्रीय न्यूज लेंगे वह है कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2020 का हुआ था उसमें फिर से इंदौर लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बना रहा है। तो इस चीज को हमें याद रखना है कि इंदौर, ये एक कॉमन बात है दोस्तों कि इंदौर बहुत सुंदर टाउन है, बहुत स्वच्छ शहर है हमारे देश का। और खूबी यह है कि लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का रिकॉर्ड या जीतना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ में दूसरे तीसरे में भी आप देख सकते हैं, सूरत दूसरा और नवी मुंबई तीसरे पोजिशन पे। तो सूरत आपके गुजरात से आ गए और नवी मुंबई महाराष्ट्र से, ये हो रही है तीनों इंपॉर्टेंट टाउन्स जो पहले तीन पोजीशंस पे हैं। याद रखिए दोस्तों, ये स्वच्छ सर्वेक्षण का ऐलान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया था। इन्होंने इसका ऐलान किया और चूंकि आप जानते हैं कोविड के कारण अभी काफी कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है, तो इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वच्छ महोत्सव कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन तमाम लोगों से बात कर रहे थे जो लोग इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो हमारे लिए याद रखने वाली बात है कि इंदौर 2017, 18 और 19 के बाद 20 में भी चौथी बार ये सबसे स्वच्छ शहर के तौर पे उभरता है। यहां पर आगे अगर देखें तो अगर सबसे साफ सुथरे स्टेट की बात की जाए और वहां भी अगर वो कि यूएलबी का मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडीज, तो जिन स्टेट्स जिनके पास 100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज है उसमें नंबर एक स्टेट के तौर पे उभरता है छत्तीसगढ़, और अगर 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज है तो वहां पर झारखंड नंबर एक पर उभर रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक और चीज है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का सर्वे रिपोर्ट था, इसके साथ रिपोर्ट्स आई इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिपोर्ट ऑन असेसमेंट ऑफ गंगा टाउन्स, मतलब गंगा के किनारे जो शहर हैं उनके भी आकलन पे रिपोर्ट जारी की गई। साथ में नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके अलावा दोस्तों इस रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात जो है वो है कि 4324 मतलब 4324 अर्बन यूएलबीज हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज ओडीएफ। ओडीएफ तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि ओडीएफ है क्या, तो देखिए ये इसका मतलब होता है ओपन डिफिकेशन फ्री। मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए, ओपन डिफिकेशन फ्री। तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि बाहर में शौच करने से जो प्रथा थी या जो तौर तरीके हमारे यहाँ थे उसमें देश के 4300 से ज्यादा शहरों ने, या जिसे यूएलबीज कहेंगे अर्बन लोकल बॉडीज ने, अपने आप को ओडीएफ, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों इसी ओडीएफ में दो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है ओडीएफ प्लस, एक कंसेप्ट है ओडीएफ डबल प्लस। तो ओडीएफ प्लस क्या है, देखिए इस ओडीएफ के कंसेप्ट में अगर मान लीजिए किसी शहर ने खुद को ओडीएफ घोषित कर दिया कि भाई हमारे शहर में ओपन डिफिकेशन नहीं होता है, एक बार भी अनाउंसमेंट कर दिया तो वे आगे चलकर एलिजिबल हो जाते हैं खुद को इन दो कैटेगरी में लाने के लिए, ओडीएफ प्लस या ओडीएफ प्लस प्लस। तो ये हो सकता है, तो इनमें मतलब क्या है, तो ओडीएफ प्लस एक प्लस का मतलब है कि यहां फोकस है टॉयलेट्स पे जिनमें वाटर है और मेंटेनेंस भी हो और हाइजीन भी हो। तो देखिए देश के 1319 ये शहर या जिनको आप कहेंगे अर्बन लोकल बॉडीज, वे अपने आप को ओडीएफ प्लस घोषित करते हैं। और साथ में ओडीएफ प्लस प्लस इसमें है कि यहाँ पे ना सिर्फ टॉयलेट है बल्कि यहाँ स्लज
और सेप्टेज मैनेजमेंट जो टंकी होता है वो भी है। तो 489 आपकी यूएलबीज ने ये घोषणा की है। तो ये बेसिकली ये दिखा रहा है, अगर मैं पिछले स्लाइड में जाऊं तो देखिए 4324 शहर खुद को ओडीएफ कह रहे हैं, तो नंबर है 4324, इसमें से 1319 जो है वो खुद को, आप यहां मैं लिख दे रहा हूं, 1319 खुद को कह रहे हैं कि भाई ओडीएफ प्लस हो गए, और 489 कह रहे हैं कि भाई हम ओडीएफ प्लस प्लस हो गए। तो ये बेहतरी की ओर दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं शहर जैसे इंदौर हो गए, अंबिकापुर हो गए, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट, मैसूर, ये सारे 5-स्टार सिटीज के तौर पे जाने जाते हैं। और यहां पर जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 है उसका फोकस रहेगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज अलोंग विथ फीकल स्लज लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिमीडिएशन ऑफ लैंडफिल्स। मतलब ध्यान इस ओर रखा जाएगा कि अपशिष्ट जल जो है उनका उपचार हो सके, और जो मल कीचड़ के साथ आ जाते हैं उसका पुनः उपयोग किया जा सके, और लैंडफिल को किस प्रकार बचाया जा सके। तो इन तमाम चीजों पे यहाँ पर फोकस किया जाएगा आगे चलकर। याद रखें कि ये जो न्यू परफॉर्मेंस कैटेगरी भी यहाँ इंट्रोड्यूस की जाएगी 2021 में, जो कि प्रेरक दाऊद सम्मान के तौर पे देखा जाएगा या जिसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें आप याद रखें दोस्तों। यहाँ पर एक चीज जो मैंने पहले ही कही कि यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये सारा चीज कंडक्ट कराती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। अगले न्यूज की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने एक नया प्रोजेक्ट की घोषणा की है जो कि है ट्राई फूड प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे इस मिनिस्ट्री के अभी मिनिस्टर कौन है, तो ये देखिए अर्जुन मुंडा साहब यहाँ पे मिनिस्टर है, जो कि झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर या पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब ये जो एक स्कीम है ये उन्होंने लॉन्च की है, जिसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़, ये दो जगह है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रायगढ़ जो कि महाराष्ट्र में है और जगदलपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो इस प्रोग्राम को, ट्राई फूड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है इन दो शहरों में, और इससे उम्मीद ये की जा रही है कि बेसिकली जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें ज्यादा मदद मिलेगी। उस वक्त जो ये ट्राइफेड है, ट्राइफेड के चेयरमैन उनका नाम रमेश चंद मीना है दोस्तों, ये एक नाम आप याद रख सकते हैं अगर आ गया एग्जाम में, तो इनका नाम रमेश चंद मीना है। तो आप जैसे आप देखिए यहीं पर जो मैंने तमाम बात की कि ट्राई फूड प्रोजेक्ट के टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर्स के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, ये जिनके मिनिस्टर अर्जुन मुंडा है, इन्होंने दो जगह रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इससे उम्मीद क्या है कि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेजमेंट मिलेगा, और ये जो प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ मिलकर ये लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जैसे मैंने पहले ही कहा, रमेश चंद मीना इसके चेयरमैन है ट्राइफेड के, और उम्मीद क्या की जा रही है, उद्देश्य या एम आप देख सकते हैं कि ट्राइबल्स का इनकम बढ़े, ताकि जो आपको MFPs जो है, जो ट्राइबल फॉरेस्ट जो सामान वहां से फॉरेस्ट से गैदर हो रहे हैं, उसके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, जैसे इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि टू अचीव दिस एज अ स्टार्ट 2 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट्स विल बी सेटअप। तो जैसे आप अगर जंगल की बात करें तो कई सारी चीजें वहां से एकत्रित होती हैं, तो वैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को प्रोसेस किया जाए, और इससे क्या है कि ट्राइबल जो लोग हैं उनके इनकम को एक बढ़ोतरी मिलेगी, एक फायदा होगा। तो दोस्तों इसके बाद एक और न्यूज अब देखते हैं, गूगल की ओर बढ़ते हैं, और गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया है भारत में, इंडिया में लॉन्च किया है, जिससे लोगों को जॉब्स खोजने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों यहां सबसे पहली बात है कि गूगल ने ये भारत में अभी लॉन्च किया है, बाकी जगहों पे ये पहले से था। जैसे आप देख सकते हैं 2018 में इसको बांग्लादेश में लॉन्च किया था और 19 में इंडोनेशिया में लॉन्च किया था, तो अब जाकर ये भारत में लॉन्च हो रहा है। तो सबसे पहली बात है कि ये जो ऐप है ये भारत से शुरुआत नहीं हो रही है, बाकी जगह भी इसमें थे, ये बाकी कंट्रीज में भी ये ऐप था। अब ऐप का नाम क्या है, कोरमो जॉब्स। अब है क्या, गूगल की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले ये समझिए कि गूगल ने एक नया ऐप कोरमो जॉब्स को भारत में भी लॉन्च किया है, और इस तरीके से मिलियंस ऑफ इंडियंस को, कई सारे लाखों
लोगों को, भारतीय लोगों को इंट्री लेवल जॉब्स में इससे सहूलियत होगी। अगर मैं किसी स्टार्टअप की बात करूं, जैसे जोमैटो हो गया, जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे आप लोग जानते हैं जोमैटो खाना पहुंचाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टअप है, अलॉन्ग विद स्विगी। डंजो की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टअप है। प्लेटफॉर्म्स पे ये सारी कंपनियां जॉब्स ऑफर कर सकती हैं, और गूगल का कहना है ऑलरेडी यहाँ पे 2 मिलियन से ज्यादा वेरीफाइड जॉब्स पोस्ट कर रहे हैं। जो एंड्रॉइड ऐप है, इससे क्या हो रहा है कि लोगों को जॉब्स पाने में सहूलियत होगी। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले इसकी टेस्टिंग भारत में की गई थी, बट अंडर द ब्रांड स्पॉटन ऑन गूगल पे ऐप, तो पहले दूसरे नाम से इसको टेस्ट किया गया था। जो बात मैंने पहले ही कही, जोमैटो और डंजो यहाँ पे 2 मिलियन मतलब 20 लाख से अधिक नौकरियों को पोस्ट कर चुके हैं। फायदा क्या होगा? ये हेल्प करेगा इंट्री लेवल जॉब अपॉर्चुनिटीज में, लोगों को हेल्प करेगा नए स्किल्स लर्निंग में, और उनको उनके सीवी, करिकुलम वाइटा ये बनाने में भी मदद करेगा, रिज्यूमे जिसको हम लोग अपने कॉमन भाषा में कह सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहले ये गूगल पे पर जॉब स्पॉट के नाम पर जाना जाता था, रीब्रांड किया जा रहा है इसे, और इसे एंड्रॉयड ऐप पे स्टैंड अलोन फीचर के तौर पे इसको लॉन्च किया जा रहा है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस वक्त अगर भारत में अगर ऐसे अगर किसी और का नाम लिया जाए तो लिंक्डइन की बात की जा सकती है। लिंक्डइन भारत में आप जानते हैं कि जॉब्स के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो यहाँ पे गूगल के आने से मे बी लिंक्डइन को, जिसके पास ऑलमोस्ट 24 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं एंड्रॉइड पे अकॉर्डिंग टू कुछ रिपोर्ट्स, वहां पर ये उनको एक अच्छी चुनौती देगा। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग गूगल के बारे में भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि गूगल के आप देख सकते हैं अभी जो सीईओ हैं उनका नाम सुंदर पिचई है, और आप सबों को पता है सुंदर पिचई जो कि 2015 से सीईओ हैं गूगल के, ये भारतीय मूल के हैं, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात, अगर गूगल की बात की जाए तो दोस्तों गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। यहाँ पे एक चीज और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, इसके फाउंडर्स का नाम लैरी पेज और सरगई ब्रिन है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसके पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन, गूगल के पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अल्फाबेट इंक। तो ये चीजें हैं, आप याद रखिए, अमेरिकन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, सबसे विख्यात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है पूरे विश्व भर के लिए, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगले न्यूज में फिर भारत पे आते हैं दोस्तों, और लेबर ब्यूरो ने एक नया लोगो लॉन्च किया है दोस्तों। 1941 में लेबर ब्यूरो की गठन की गई थी, और ऑलमोस्ट 80 साल के बाद, इसके एस्टैब्लिशमेंट के बाद, ये लेबर ब्यूरो जो कि लेबर मिनिस्ट्री का डेटा एंड सर्वे विंग है, मतलब डेटा और सर्वे करने का जो विंग है वो ये है, और ये एक नए लोगों के साथ आ रहा है, जिसमें बेसिकली तीन कोर एरियाज के लोग, जो हम कहते हैं ना रूरल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल, इन तीन वर्कर्स, तीन कोर एरिया के लोगों को एक साथ इनकैप्सुलेट करेगा, इनको एक साथ एक जगह लाएगा, और इसमें तीन चीजों पे मेजर फोकस होगा। क्वालिटी डेटा, डेटा अच्छी कब होगी दोस्तों? जब डेटा एक्यूरेट होगी, सटीक होगी, जब वैलिड होगी, मतलब वैधता उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है, साथ में रिलायबल भी होगी, मतलब उसकी विश्वसनीयता पे भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। तो ये लोगो जो है, ये इन तीनों क्षेत्रों को, इन तीनों जो आपको एस्पिरेशन है लेबर ब्यूरो का, उसको रिप्रेजेंट करता है। साथ में मैंने जैसे पहले ही कहा, ये तीन कोर एरियाज के भी एसेंस को इनकैप्सुलेट करता है। तीन कोर एरिया क्या हो गए? रूरल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मिनिस्टर साहब का नाम ले लिया जाए, संतोष गंगवार साहब यहाँ पे मिनिस्टर है अभी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, और इन्होंने ऑफिशियल लोगो इसका जारी किया है। ये याद रखिए दोस्तों, ये एक डेटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है वर्कर्स एंड वर्क से। जो मैंने पहले ही कहा कि ये लेबर मिनिस्ट्री का वो डिपार्टमेंट है जो कि डेटा लाती है और उनके लिए सर्वे करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें श्रम ब्यूरो से ही पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या स्टेटस है हमारे देश में कई क्षेत्रों में, खासकर ब्लू कॉलर जॉब।
तो अगर थोड़ी सी बात इनके डेटा की कर ली जाए, सॉरी लोगों की कर ली जाए दोस्तों, तो देखिए आप लोगों यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक है ब्लू व्हील ऑफ द लोगो इज कॉग व्हील। ये देखिए ब्लू जो व्हील है यहाँ पर, ये कॉग व्हील है, तो ये काम का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि वर्क हो रहा है। दूसरी बात, ब्लू कलर लेबर ब्यूरो डील्स विद ब्लू कॉलर वर्कर्स, जैसे मैंने पहले कहा ना व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर, ब्लू कॉलर जो श्रमिक लोग हैं उनके साथ ये डील करता है, तो ब्लू उसको भी इंडिकेट करता है। साथ में आप देख सकते हैं दोस्तों ये तिरंगा, तो ये जो ट्राई कलर ग्राफ है ये हमारे झंडे के तीनों कलर को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा दोस्तों आप ये देखिए यहाँ पे गेहूं की बालियां बनी हुई हैं, ये व्हीट ग्रेन्स जो है, तो क्लियरली ये आपको मैंने पहले ही कहा रूरल एग्रीकल्चर इन दोनों को भी सिंबलाइज करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सत्यमेव जयते भी है, तीनों जो इनके उम्मीद है, जो इनका एक्सपेक्टेशन है कि क्वालिटी डेटा के लिए एक्यूरेट वैलिड और रिलायबल डेटा है, वो तीनों भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ऑफकोर्स श्रम ब्यूरो या लेबर ब्यूरो और भारत भी यहाँ पे इंडिकेट। अभी दोस्तों अगर इस थोड़ा सा इस मिनिस्ट्री की बात कर ली जाए, लेबर ब्यूरो की बात कर ली जाए, तो जैसे मैंने पहले कहा 41 में स्थापना की गई थी, शिमला में की गई थी, और तब इसे कहते थे डायरेक्टरेट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। बाद में इसे बदला गया और लेबर ब्यूरो ऑन अक्टूबर 1, 1946 के तौर पे इसे फिर से लाया गया, और यहाँ पे इसे और सारे फंक्शंस भी दिए गए। आज की डेट में चीफ लेबर कमिश्नर उनका नाम राजन वर्मा है, और दोस्तों इसके डायरेक्टर जनरल उनका नाम डीपीएस नेगी है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इस लेबर ब्यूरो के बारे में, आप याद रख सकते हैं। आगे अंतरराष्ट्रीय न्यूज में दोस्तों व्यक्तित्व में एक नाम आता है थराउली का, जो कि प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ट्रिनिदाद एंड टेबागो के। इनको दूसरी बार सेकेंड कंसेक्यूटिव 5 ईयर टर्म मिला है, और ये वहां की पीपल्स नेशनल मूवमेंट पार्टी को बिलोंग करते हैं। हमारे लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसके अलावा ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से जुड़ी हुई कुछ चीजें हमें याद रखनी चाहिए। जैसे अब अगर आप देखें तो ये मैप है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो का दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं दोस्तों उनको पता होगा कि ट्रिनिदाद एंड टोबैगो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है आपके वेस्ट इंडीज का, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का। और ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से बहुत सारे महान क्रिकेटर्स आए हैं, जैसे अगर मैं नाम लूं लारा ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से हैं, जो अभी के जो लोग आईपीएल फॉलो करते हैं उनको पता होगा, किरण पोलार्ड, सुनील नारायण, गिल डारू, डैन गंगा, ये सब लोग यहाँ से आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से भारत के भी एक क्रिकेटर का संबंध है, रॉबिन सिंह, जो हमारे फॉर्मर ऑलराउंडर थे, उनका जन्म ट्रिनिदाद एंड टोबैगो में ही हुआ था। तो ये कुछ क्रिकेट से रिलेटेड बातें थी। साथ में आप देख सकते हैं दोस्तों इनके करेंसी क्या है, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर, और प्रेसिडेंट का नाम है पाउलो माई वीक्स। तो ये कुछ फैक्ट्स और हैं ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से रिलेटेड जो आप याद रख सकते हैं। अगला आप देखिए, इक्वेटोरियल गोइनिया में फ्रांसिस्को आसू को रीअपॉइंट किया गया है उनके प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। यहां पर दोस्तों इनको सॉन कहाँ कराया गया, देखिए प्रेसिडेंट का जो पैलेस है पीपल्स पैलेस मलाबो, मलाबो इनका कैपिटल है दोस्तों, यहां पर इनको सॉन कराया गया। तो याद रखिए इक्वेटोरियल गुइनिया का कैपिटल क्या है, मलाबो। कंट्री कहाँ है इसको याद रखिए, इक्वेटोरियल गुइनिया अफ्रीका में है दोस्तों, इसके पश्चिमी कोस्ट पे। अगले स्लाइड में मैं इसका मैप दिखाता हूं, और यहाँ के प्रेसिडेंट अभी हैं ट्यूडारो ओबियांग। तो इन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इन्हें शपथ ग्रहण कराया। पिछली गवर्नमेंट जो थी आसू गवर्नमेंट, जो इन्हीं की थी, उनने टेंडर किया था रेजिग्नेशन फॉलोइंग द क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रेसिडेंट, और गवर्नमेंट ने को डिसॉल्व किया गया था क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन यहां पर बहुत खराब हो गई है। तो मैं अभी समझा देता हूं आपको कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्यों खराब हुई, क्योंकि आप सब दोस्तों अभी सब जान रहे हैं कोविड के कारण, और यहाँ पे ऑयल चूंकि यहाँ बहुत ज्यादा है और ऑयल से इनको बहुत पैसा मिलता है, लेकिन ऑयल में भी जो मंदी आई हुई है इस कारण से इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो गई थी, और इस कारण से प्रेसिडेंट ने इनके गवर्नमेंट का काफी निंदा किया था, और इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन बाद में इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया 4 दिन के अंदर ही, 14 अगस्त को रिजाइन किया, 18 को फिर से इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल गुइनिया, जैसे मैंने इनकी इकोनॉमी के बारे में बात किया दोस्तों, सेंट्रल अफ्रीका के ऑयल प्रोड्यूसर देश है, और इसको अभी डबल इकोनॉमिक शॉक लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि एक तो कोविड इकोनॉमिक जो क्राइसिस लेके आया है, कोविड-19 पैंडेमिक, वो एक है, साथ में जो क्रूड प्राइसेस गिर गए हैं वो, इन दोनों के कारण स्टेट का जो रेवेन्यू है वो गिर गया है।
अगर आईएमएफ की मानी जाए दोस्तों, तो कंट्री का इकोनॉमी ऑलमोस्ट 5.5% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, अनुबंधित हो जाएगा 2020 पे। और दोस्तों ये नई बात नहीं है, आपको सबको पता है कि कई सारे देशों के साथ ये हो रहा है। कोविड के कारण अधिकतर देशों की इकोनॉमी थोड़ी सी लड़खड़ा गई है। यहाँ पर थोड़ा सी चर्चा अगर मैं इन देश के बारे में कर दूं, आप देखिए दोस्तों, ये लाल जो है ये हो गया आपका इक्वेटोरियल गुइनिया, पश्चिम में अफ्रीका के बीचों बीच सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है और वेस्ट में है ये। तो यहाँ पे अगर रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गुइनिया की बात की जाए, तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम अभी जस्ट हमने लिया है दोस्तों, मैंने कैपिटल भी आपको बताया, करेंसी याद रख सकते हैं सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक है। इसके अलावा सबसे बड़ा टाउन जो है इसको याद रखिए, इसका नाम है बाटा। और इसके अलावा जो लैंग्वेजेस यहाँ बोली जाती हैं वो है स्पैनिश, फ्रेंच, पुर्तुगीज। दोस्तों ये पहले स्पेन का एक कॉलोनी भी हुआ करता था। और यहाँ पे एक चीज मैं बताना जरूर चाहूंगा दोस्तों कि अगर पर कैपिटा की वाइज की बात की जाए, तो इक्वेटोरियल गुइनिया परचेजिंग पावर पैरिटी पे सबसे ज्यादा हाई स्कोर करता है अफ्रीका में। और पूरे विश्व में अगर पुराने डेटा 2016 की डेटा के हिसाब से जाए तो 31वें पोजीशन पे है। लेकिन कंट्री के जो लोग हैं वो काफी पॉवर्टी में है, और पूरे सब सहारन, ये जो सब सहारन रीजन है दोस्तों, उसमें एकमात्र ये कंट्री है अलोंग विथ बोट्सवाना जो कि एलडीसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस से निकल चुका है। तो ओवरऑल कंट्री के लोग पुअर है, कंट्री ओवरऑल थोड़े बहुत प्रॉस्पेरस हुआ है मेनली बिकॉज ऑयल। अगला बैंकिंग और वित्त संबंधी अगर समाचार देखे जाए दोस्तों, तो लक्ष्मी विलास बैंक ने लॉन्च किया है लक्ष्मी डिजिगो। अब ये एक नया ऐप है जैसा आप देख सकते हैं, और इसका पर्पस क्या है, ताकि कॉन्टैक्टलेस डिजिटल इनिशिएटिव के तहत जो कस्टमर्स हैं वो अपने सेविंग अकाउंट्स को खोलें इंस्टेंटली और बिना किसी के कॉन्टैक्ट में आए खुल जाए ये चीज। इससे क्या होगा कि दोस्तों इस वक्त जो बैंकिंग सर्विसेज है वो इंस्टेंट भी मिलेगा, और कोविड-19 पैंडेमिक जो यहाँ पे अभी चालू है, अभी जानते हैं जिस तरीके से जो स्थिति है उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो ये मिनट में खुल जाएगा, इसमें सिर्फ पैन और आधार कार्ड की जरूरत है। और इसके अलावा दोस्तों इसको आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो बैलेंस खाता है, आपके खाते में बैलेंस जीरो भी हो सकता है, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग की भी सहूलियत है, जैसे मैंने कहा स्थायी खाता संख्या और आधार कार्ड दो चीजों की जरूरत है, इसके बाद आपका ये खुल जाएगा। इसके अलावा ब्रांच आप अपने चॉइस का ले सकते हैं, और रिवॉर्ड पॉइंट्स और बेनिफिट। यहाँ पे दोस्तों लक्ष्मी डिजिगो के अलावा हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि थोड़ी सी जानकारी हमें लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में भी होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये चेन्नई में हेडक्वार्टर्स है इसका तमिलनाडु में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो अभी है उनका नाम एस सुंदर है। याद रखिए दोस्तों ये एक प्राइवेट बैंक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट बैंक इन तमिलनाडु, ये वन ऑफ द सबसे पुराना बैंक, इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको याद रखना है। लगभग 1926 में ही इसकी शुरुआत की गई थी, इस बैंक का गठन किया गया था, और तब जो इसके फाउंडर्स थे उनका नाम था जी चेतियार और टी चेतियार। तो ये आप याद रख सकते हैं कि जीबीसी मुथुवीरा चेतियार और टी सुंदरा रजुलू चेतियार मुरे, ये इसके फाउंडर्स थे। और लीडरशिप उस वक्त जो थी वो थी श्री वीएसएनएन रामलिंगा चेतियार की। ये लोग सारे 7 बिजनेसमैन का एक ग्रुप था करूर से जिसने ये शुरू किया था। तो ये कुछ नाम अगर याद नहीं भी रखे तो चेतियार नाम याद रखिए, ये इससे कुछ आपको याद रहना चाहिए। लक्ष्मी डिजिगो के बारे में मैंने पहले ही कहा दोस्तों, ये बचत खाता है और इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग दोनों की सुविधाएं यहाँ पे है। आप यहाँ पर चाहें तो अपने रेगुलर अकाउंट खुलवा सकते हैं, फुली फीचर्ड रेगुलर अकाउंट ऑफ योर ओन चॉइस, चेक फैसिलिटी, चेक बुक की फैसिलिटी आपको मिल सकती है, डेबिट कार्ड मिल सकता है और अदर फैसिलिटीज भी यहाँ मिलता है। अगले जो चर्चा अब हमें करनी है दोस्तों, कुछ पुस्तक और पुरस्कार की चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पे एक पुस्तक आई है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 to 2020। तो दोस्तों सबसे पहले लिखा किसने है, ये लिखा गया है रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा, और ये उनकी किताब दूसरी है, सीक्वल है, क्योंकि पहली किताब आई थी इंडियाज वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 to 71।
तो दोस्तों अगर 47 से 71 की वॉर की बात करें तो याद रखिए 48 में पाकिस्तान के साथ जो हमने वॉर लड़ा, इसके बाद 65 में उनके साथ वॉर लड़ा, 62 में चाइना के साथ लड़ा और 71 में फिर से पाकिस्तान के साथ लड़ा। तो पहले जो इनके बुक है उसमें बेसिकली ये चार वॉर्स के बारे में ज्यादा चर्चा थी। इसको पब्लिश किसने किया है? हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। और जैसे आप देख सकते हैं पिछले 48 साल के युद्धों के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में चर्चा की गई है। अगर पिछले 48 साल के युद्धों की चर्चा की जाए दोस्तों, तो एक ही मेजर युद्ध भारत ने लड़ा, वो है कारगिल का युद्ध। लेकिन इसके अलावा इस किताब में इन्होंने बात की है, जैसे मैंने पहले कहा कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसीज होती हैं, जैसे नागालैंड में हो गया, आसाम में हो गया, जैसे नागा में आइसक मुइया ग्रुप है, आपको पता है बोडोलैंड की मांग करने वाले कुछ ग्रुप्स हैं जो डिमांड करते हैं कि भाई हमको अलग देश बना दो, लाइक दैट। आपको पता है कि इंसर्जेंट ग्रुप्स अरुणाचल में है, उल्फा है, तो ये इन पे भी चर्चा है। इसके अलावा टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर जो कश्मीर में 90 के दशक से शुरू हुआ उस पे चर्चा की गई है। पंजाब में जो खालिस्तान को लेकर जो वायलेंस हुआ, खालिस्तान का डिमांड हुआ, उसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका भेजा गया था, राजीव गांधी उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पे जो निरंतर तनाव बना रहता है, चाहे वो पाकिस्तान के साइड हो या चाइना के साइड हो, इन तमाम ऑपरेशन, इन तमाम चीजों पे यहाँ पर इस किताब में चर्चा की गई है। तो दोस्तों इस किताब के बाद एक अवार्ड की बात करते हैं, और अवार्ड है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन अचीवमेंट्स एरिया 2020। तो दोस्तों अब ये इसको समझिए कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, उन्होंने अनाउंस किया है इस अवार्ड को वर्चुअली। आज जैसे मैंने पहले कहा सब कुछ वर्चुअली हो रहा है, 18 तारीख को अनाउंस किया 2020 में। इसमें दो व्यापक श्रेणी थे और 6 सब कैटेगरीज में इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली आइडिया क्या है कि 21वीं शताब्दी, अगर 21वीं सेंचुरी की बात की जाए, तो ये सेंचुरी विल बी नोन अबाउट इनोवेशन, कि आप नया क्या खोज रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं, आइडिया है किस तरीके से आप किसी प्रोडक्ट या किसी प्रोसेस, किसी सर्विस को बेहतर बना रहे हैं, तो इनोवेशन की जरूरत है। और प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर रखा था कि 2010 से 20 का जो डिकेड है वो इनोवेशन का डिकेड होगा। तो इसलिए दोस्तों हमने लगातार जो इनोवेशन का रैंकिंग होता है वर्ल्ड वाइड, इसमें लगातार हमने बेहतरी किया है। अभी 57वें प्लेस पे थे पिछले साल, 5 सालों में 86वें जगह जो पोजीशन से 57वें पोजीशन पे आ गए। तो भारत की कोशिश क्या है कि लगातार इसमें ऊपर जाए। और इसमें जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये लगातार इसमें सिस्टमेटिकली जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, उनको रैंक करता है, उनको रैंक करता है ऑन वेरियस इंडिकेटर्स जो कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों के बीच में ये रैंकिंग्स होती है। अलग अलग पैरामीटर्स है, 7 पैरामीटर्स है दोस्तों, और उस पे मार्क्स दिए जाते हैं। मैं पैरामीटर्स में भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस अवार्ड को देखिए, आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में नंबर 1 स्थान लिया है आईआईटी मद्रास ने। वहीं पर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज, मतलब राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई आईसीटी ने अपना नंबर 1 रैंक पाया है। तीसरे में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में राज्य वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान, इसमें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे नंबर 1 जगह पे है। डीम्ड विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय या सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज में कलिंगा किट्स नंबर 1 पे आ रहा है। निजी संस्थान सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में दोस्तों वारंगल का एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज नंबर 1 पोजीशन पे है। और वुमेन ओनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, महिलाओं के लिए विशेष श्रेणी में नंबर 1 आ रहा है अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। तो दोस्तों ये अवार्ड्स इन्होंने 2020 के अनाउंस किए हैं इस तरीके से। तो ये हो गया, अब आइए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने पहले कहा कि एचआरडी मिनिस्ट्री, जिसे हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तौर पे लॉन्च किया गया है, वो शिक्षा मंत्रालय मंत्रालय इसको इस एरिया को अनाउंस करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन।
और 2019 में भी आईआईटी मद्रास टॉप इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन के तौर पर इमर्ज किया था और टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स पब्लिक फंडेड कैटेगरीज में भी वही थी। तो दोस्तों आगे चल के बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की, और इसमें एक आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, 21 अगस्त को दोस्तों अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो उम्रदराज लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, उनको क्या-क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, उसको लेकर ये पर्टिकुलर डे मनाया जाता है। ये दिन रिमाइंड करता है हम लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए कि एल्डर्स हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में कितना महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं ताकि ये एक बेटर प्लेस बन सके। दोस्तों अगर आप इमेजिन करिए हमारे घर में हमारे दादा दादी के रहने से, या अगर ननिहाल की बात की जाए नाना नानी के रहने से, या अड़ोस पड़ोस में एक बूढ़े दादा दादी के रहने से, एक जो एक एटमोसफेयर जो एक दूसरे तरह का बनता है, एक प्यारा एनवायरनमेंट बनता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर अवेयर करना है लोगों को कि भाई वरिष्ठ नागरिकों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है हमारे सोसाइटी में, और इसी के लिए बुजुर्गों के साथ जो दुराचार कहीं कहीं होता है उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने की बात है। तो ये चीज इसके लिए वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। देखिए दोस्तों अगर इसके हिस्ट्री में जाएं तो 14 अगस्त, ऑन 14th अगस्त सम पीपल सेलिब्रेट द डे बिकॉज जो पूर्व यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने 1935 में आज के दिन ही सोशल सिक्योरिटी एक्ट को साइन किया था। इसके अलावा 88 में रोनाल्ड रीगन जो उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 21 अगस्त सेलिब्रेट किया जाएगा सीनियर सिटीजन्स डे, और तब से इस दिन को सीनियर सिटीजन्स को ऑनर करने के लिए यूएस में मनाया जाता है ताकि उनके वैल्यूबल और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो वो कम्युनिटी को देते हैं उसको सेलिब्रेट किया जा सके। तो दोस्तों ये तमाम बातें थी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे से। अब आज के एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पे हम बढ़ते हैं, वो है कि आज हम लोग फरवरी महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करें। जैसे दोस्तों अगर 13 फरवरी की बात की जाए तो वो वर्ल्ड रेडियो डे के तौर पे मनाया जाता है। 13 फरवरी नेशनल वुमेन्स डे के तौर पे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सरोजनी नायडू जो भारत आजाद भारत में पहली महिला राज्यपाल बनी और आजादी के पहले कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी, तो इनकी इनकी जन्मतिथि इसी दिन थी। इसके अलावा 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के तौर पे मनाया जाता है, 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के तौर पे मनाया जाता है, और 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। तो दोस्तों ये फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस थे। अब जो आखिरी चीज है वो है कि आज के दिन को जरा हिस्ट्री में देखा जाए, दिस डे इन हिस्ट्री, इतिहास में आज के दिन क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहली बात दोस्तों आज के दिन ही 1915 में जब विश्व युद्ध एक चल रहा था, इटली ने घोषणा की वो टर्की के खिलाफ लड़ने जा रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप याद रख सकते हैं। दूसरी बात 1931 में आज के दिन ही पंडित विष्णु दिगंबर की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ये हिंदुस्तानी म्यूजिक से बिलोंग करते थे और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको अरेंज करने का श्रेय इनको ही जाता है, तो ये एक चीज आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ओरिजिनल वर्जन था रघुपति राघव राजा राम का, जो कि आप जानते हैं महात्मा गांधी के बहुत दिल के करीब था, उसके भी ओरिजिनल वर्जन को इन्होंने गाया था। इसके अलावा दोस्तों आज की ही हवाई अमेरिका का 50वां प्रोविंस बन गया। अब यहाँ पे हवाई के बारे में एक दो चीज जान लीजिए, होनोलुलु यहाँ का कैपिटल है, हवाई पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है दोस्तों, और ये एकमात्र यूएस का स्टेट है जो कि नॉर्थ अमेरिका के बाहर है, ये ट्रॉपिक्स में है और आइलैंड स्टेट है। बहुत सारे आइलैंड्स, ऑलमोस्ट 135 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर ये हवाई बनता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट और बहुत इतिहास में इंपॉर्टेंस है इसका, तो इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अगला देख सकते हैं कि आज के दिन 1963 में साउथ वियतनाम में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी गई थी क्योंकि यहाँ पे बुद्ध टेम्पल पगोडा में रेड्स किए गए थे।
इसके अलावा दोस्तों 68 में आज के दिन ही चेकोस्लोवाकिया के लोकल रेडियो ने घोषणा की कि पराग्वे पर सोवियत यूनियन के नेतृत्व में हमला होने जा रहा है। तो ये दोनों शायद आप भूल भी सकते हैं, नहीं पूछना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई, 1972 में पार्लियामेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दे दी गई है इसी दिन। तो दोस्तों ये बहुत वन्य जीव जो संरक्षण कानून है इसको आज मंजूरी, इनैक्टमेंट इसका बाद में हुआ था, 9 सितंबर 1972 को हुआ था। बहुत सारा अमेंडमेंट होते गया है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 91 में आया, 86 में आया, 82 में आया, 7 बार लास्ट 2008 में भी इसको अमेंड किया गया है। तो कंटिन्यूसली इसको कोशिश की जा रही है कि हमारे यहाँ जो एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए इस लॉ का इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए 86 में आज के दिन ही 2000 से ज्यादा लोग एक पॉइजनस गैस के निकलने से, जो कि वोल्केनिक एरप्शन हुआ था कैमरून में, यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा 2005 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था बांग्लादेश और इंडिया के बीएसएफ के बीच में। 2006 में ही दोस्तों आज के दिन उस्ताद बिस्मिल्ला खान, जिन्हें आपको पता होगा कि भारत से भी नवाजा गया था, उनकी मृत्यु आज हो गई। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये शहनाई के बहुत बड़े प्लेयर थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जितना अवार्ड कहिएगा सब उनको मिला है। याद रखना है कि भारत रत्न को मिला है। कमरुद्दीन खान के तौर पे इनका जन्म हुआ और उस्ताद बिस्मिल्ला खान के नाम पे इन्होंने पूरे विश्व में कमाल की प्रसिद्धि पाई। दोस्तों शहनाई के क्षेत्र में इनसे बड़ा कोई भी कलाकार आज तक नहीं हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। और इसलिए इनको भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा भी गया, 90 साल की उम्र में इनकी मृत्यु 2006 में हुई। इसके अलावा दोस्तों 2008 में भारत नासा से हाथ मिलाता है, मैंने नासा के बारे में पहले के क्लासेस में आपसे डिस्कशन किया है, सो इसलिए आज छोड़ रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों 2008 में आज के दिन रिज्यूम किया गया कारवाने अमन बस सर्विस, कारवा मीन्स कैरावां भी कहते हैं दोस्तों, जब बसेस निकलती है कैरावान के लिए, और पीस, अमन इज स्टैंडिंग फॉर पीस। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये श्रीनगर और पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसने अपने राजधानी मुजफ्फराबाद घोषित कर रखा है, इसके बीच कारवां ए अमन बस की सेवा फिर से शुरू हुई थी इस वक्त, तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। फैक्ट्स में आप देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट आर्चिपेलागो कौन सा है, ये है मलय आर्चिपेलागो जो कि इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में है। तो याद रखिए दोस्तों कि इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे मलय वर्ल्ड, ईस्ट इंडीज, स्पाइसेस आर्चिपेलागो, ये कई सारे नाम के तहत जाना जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र है आपके साउथ ईस्ट एशिया का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दूसरा आप देख सकते हैं लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट, सबसे गर्म जो रेगिस्तान है दोस्तों, आपको पता है अफ्रीका के बीचों बीच 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये हॉट डेजर्ट फैला हुआ है दोस्तों, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और अगर बोला जाए तो थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट आफ्टर अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। तो दोस्तों अंटार्कटिका सबसे बड़ा डेजर्ट है क्योंकि वहां पे कुछ मरुस्थल टाइप का है, कुछ उगता नहीं है। लेकिन अगर हॉट डेजर्ट की बात की जाए दोस्तों तो सहारा सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, और सहारा बेसिकली अरेबिक वर्ड से आता है, सहरा, सहरा नाम के अरेबिक वर्ड से सहारा आ जाता है दोस्तों। सहरा का मतलब ही होता है डेजर्ट। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर है, ये मेजर ग्लेशियर है ईस्ट अंटार्कटिका का, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है विश्व का। अगर इसकी बात की जाए तो ये 50 मील वाइड है, 250 मील लंबा है, और ये 2500 मीटर डेप्थ में जाता है। तो अंटार्कटिका में है ये सबसे बड़ा आपका लार्जेस्ट ग्लेशियर। इसके अलावा दोस्तों अमेजन ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट रिवर है, दक्षिण अफ्रीका में आपको ये है, और इसका सोर्स याद रख सकते हैं दोस्तों रियो मंतारो, ये रियो मंतारो से चालू होती है और गिरती है ओशियन में। तीन कंट्री ब्राजील, कोलंबिया और पेरू, इन तीन कंट्री से ये गुजरती है, और विश्व की जैसे मैंने पहले कहा सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम, और कई लोग इसको लॉन्गेस्ट रिवर भी कहते हैं, लेकिन ये डिस्प्यूटेड फैक्ट है।
इसके किनारे दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स बसे हुए हैं, जैसे अगर मैं बोलूं इक्यूटॉस, मनॉस, बेलेम, मैकापा, ये सब, और मंटारो रिवर का, ये जैसे मैंने पहले कहा, ये सोर्स बन जाता है, सोर्स इसका मंटारो रिवर है, तो ये आप याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों अगला आप देख सकते हैं कैस्पियन सी, सबसे बड़ी झील है दोस्तों, आप इसको देखिएगा, इसके अराउंड कंट्री सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जैसे तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान है, ये सब कंट्रीज इसके इर्द गिर्द है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। रशिया है ऑफकोर्स, इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो इन सब कंट्रीज इसके आसपास है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, सबसे बड़ी झील दोस्तों, इसको याद रखिए, क्लासिफाई किया जाता है इसको सबसे बड़े लेक के तौर पे, कई बार फुल फ्लेज्ड सी के तौर पे भी देखा जाता है, और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और फैक्ट, लार्जेस्ट स्वैम्प मतलब दलदल, और ये कौन है, पेंटेनल, साउथ अमेरिका में ये जगह है जिसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा दलदल है। देखिए मोस्टली ये ब्राजील के एरिया में आ जाता है, ब्राजील जो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है दोस्तों। इसके अलावा ये थोड़ा बहुत बोलिविया और पराग्वे, दो अदर कंट्री में भी आता है। यूनेस्को के हिसाब से ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2000 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया था दोस्तों इसको, और विश्व में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों लार्जेस्ट डेल्टा के तौर पे गंगा का जो डेल्टा है, जो सुंदरबंस में बनाते हैं, ये है, इसको याद रखिए, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, मेघना रिवर, ये सब जो बे ऑफ बंगाल के पहले कन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहां पर जाके आपका सुंदरबन बनता है। आपको पता है मैंग्रोव के फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, और बहुत सुंदर जगह है ये, आप याद रखिए। सुंदरबन नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, और वेस्ट बंगाल में ये और बांग्लादेश में आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए टॉलेस्ट वोल्केनो मौना लोआ हवाई, अभी कुछ देर पहले हमने हवाई की बात की दोस्तों, ये वहां पर आपको मिलता है, और जैसे मैंने कहा कि ये लार्जेस्ट सबसे ऊंचा वोल्केनो है। इसके अलावा दोस्तों टॉलेस्ट वोल्केनो के तौर पे आप देख सकते हैं ओजस डेल सलाडो, जो कि चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि भाई दोनों को मैंने टॉलेस्ट वोल्केनो कह दिया, तो ये समझिए कि ये सब एरियल है, भू पुष्टीय है, मतलब क्या है कि ये अगर वोल्केनो है तो इसकी बहुत बड़ी जो एरिया है वो जमीन के नीचे है। जैसे आप देखिए इट्स अ वोल्केनो जो कि हवाई पे है, विच इज अ हाइट ऑफ, इतना हाइट है बेस से यहां से, लेकिन इस बेस का लमसम 20,000 स्क्वायर फीट सी लेवल के नीचे है, तो इस कारण से ये अगर नीचे से देखा जाए तो सबसे ऊंचा हो जाता है, लेकिन अगर सिर्फ यहां से अगर कोई वोल्केनो सबसे ऊपर है तो वो कोई और नहीं बल्कि ओजस डेल सलाडो, और ये विश्व का एक्टिव वोल्केनो है, इनफैक्ट हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो जो विश्व का है वो यही है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं डीपेस्ट कैनियन के तौर पे कोटाहुआसी कैनियन, जो कि पेरू में है दोस्तों, और ये पेरू के एक टाउन जिसका नाम है एरे क्विपा, इसके आसपास आता है, डीपेस्ट कैनियन ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड अगर बात किया जाए तो ये चैलेंजर डीप है, जिसको माना जाता है कि अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, लमसम इसका जो अगर आप डेप्थ की बात की जाए तो 10,902 से लेकर 10,929 मीटर इसके डायरेक्ट जो मेजरमेंट्स हुई है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा और मेथड्स के द्वारा, तो ये लमसम इतना आता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों डीपेस्ट लेक की बात की जाए तो लेक बाइकाल, जो कि रशिया में है, साइबेरिया के आसपास ये है, ये सबसे डीपेस्ट लेक के तौर पे है। और आखिर में दोस्तों हाईएस्ट वाटरफॉल्स के तौर पे देखा जाए तो एंजल वाटरफॉल्स, जो कि वेनेजुएला में है, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है, और अगेन ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ जाता है, और ये नेशनल पार्क जिसका नाम है केनाइमा, उसके अंतर्गत ये आता है। तो दोस्तों ये तमाम बातें थी आज के न्यूज से। अब थोड़े कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए विच सिटी हैज वन द टाइटल ऑफ क्लीनर सिटी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, हमने देखा दोस्तों आंसर था इंदौर। इसके अलावा किस मिनिस्ट्री ने ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स।
इसके अलावा गूगल ने अपना नया लॉन्च किया है ऐप कोरमो, ये किस चीज के लिए होगा, जॉब्स को ढूंढने के लिए। इसके अलावा वीट ईयर्स जो कि लेबर ब्यूरो में नया लोगो है वो क्या इंडिकेट करता है, फ्रूट ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लेबर, ग्रामीण कृषि श्रम के फल को ये इंडिकेट करता है। इसके अलावा फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर्स 72 से लेकर 2020 तक, ये बुक के टाइटल ऑथर कौन है, अर्जुन सुब्रमण्यम है। और आखिर में दोस्तों सब एरियल टॉलेस्ट वेलकैनो कौन है, अभी जस्ट मैंने बोला माउंट मौना लोआ। इसके अलावा दोस्तों तो हम नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, आपको मैंने पहले दिखाया 13 फरवरी। तो दोस्तों ये तमाम बातें थी आज के न्यूज से, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमने डिस्कशन किया आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये आपका चैनल है दोस्तों, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। बायजूस की तरफ से ये आप लोगों के लिए किया गया एक इनिशिएटिव है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही कुछ, थैंक यू, गुड बाय, कल फिर मिलेंगे।